नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डॉग प्लांट को कैसे सीड से जर्मिनेट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, इसके सीड्स काफ़ी बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। इसको मैं सिक्किम से लाई थी, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो लगभग पूरे साल भर ये प्लांट वहाँ पे ग्रो होता है, तो मैं वहाँ से इसके सीड्स लाई थी। और ये लास्ट ईयर भी मैंने नर्सरी से मैं इसके सैपलिंग ला के ग्रो किया था मैंने, बट उस टाइम जो है वो मैंने सीड कलेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं सिक्किम गई थी तो वहाँ मुझे मिला, गार्डन में बहुत सारे लगे थे तो वहाँ से मैं ये सीड कलेक्ट करके लाई हूँ। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स है तो इस समय ग्रो कर लीजिए, बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। और विंटर के जितने भी प्लांट के अगर आपने कटिंग वगैरह बचा के रखे हैं तो उसको भी ग्रो कर लीजिए, ताकि विंटर स्टार्टिंग से ही जो है आपके गार्डन कलरफुल हो जाए, फूलों से भर जाए। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान है, मैंने जो है बहुत ही सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स इसके लिए लिया है, मैंने गार्डन सोयल और इसमें मैंने रेत मिला है। आप चाहे तो कोकोपीट है आपके पास तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। बहुत हल्की इसकी सीड है, मैं यहाँ रखती हूँ, देखिए ये बहुत हल्की इसकी मिट्टी मैंने तैयार की है, क्योंकि जितने भी ये छोटे छोटे बारीक सीड्स वाले प्लांट होते हैं उनके लिए हल्की मिट्टी आप तैयार कीजिए, ताकि इसके रूट जो निकलेंगे वो बहुत आसानी से मिट्टी में पेनिट्रेट हो जाए। और अगर सख्त आप मिट्टी देंगे तो वो सीड जो सोयल में जो है इसके रूट पेनिट्रेट अच्छे से नहीं हो जाएंगे, तो जर्मिनेट होने के बाद भी पौधे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। देखिए, बहुत ही हल्की मिट्टी मैंने इसमें तैयार किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला दिया है। और दोस्तों, ये पहले से गीली है मिट्टी, अगर गीली नहीं होती तो आप पहले से इसको जो है गीला कर दें तो सही रहता है, क्योंकि काफ़ी बारीक है इसके सीड्स, तो सीड्स लगाने के बाद अगर आपने मिट्टी गीली की तो इधर उधर हो जाता है। तो मैं हमेशा जब भी सीड ग्रो करती हूँ पहले मैं मिट्टी गीली कर देती हूँ, ये काफ़ी गीली है। और दोस्तों, इसको जो है बहुत ये बारीक है तो इसको थोड़ा दूर दूर में इस तरीके से हम इसको स्प्रेड करेंगे, ताकि ये अच्छे से जो है ये फैल जाए। अगर पास पास में होगा फिर सीड जर्मिनेट होगा, स्प्राउट निकलेंगे तो आपको सेपरेट करने में जो है दिक्कत होगी, तो ये बहुत ही इस तरीके से दूर दूर में इसको लगा लीजिए, ये देखिए ये। और दोस्तों, ये स्प्राउटिंग होने में जो है 12 से 15 दिन का समय लगता है, और इसको जो है इस तरीके से हम फैला लेंगे बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो है ऊपर से हल्की सी मिट्टी हम इस पर डाल देंगे, ज़्यादा मोटा लेयर नहीं करना है। और दोस्तों, जब भी सीड आप जर्मिनेशन के लिए रखें तो जो है इस टाइप के पॉट में रखें, ताकि छोटे मतलब ज़्यादा स्पेस भी ना लें, और सीड जो है जर्मिनेट होने के बाद जो है आप आसानी से इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सके, और एक ही पॉट में काफ़ी ज़्यादा जो है आप सीड ग्रो कर सके। तो मैं हमेशा इस टाइप का बड़ा सा पॉट ही लेती हूँ। और इसको अब रखना कहाँ है दोस्तों, इसको जो है आप ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट पड़े, इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े, डायरेक्ट इस पर सनलाइट ना हो। तो आप चाहे तो बड़े बड़े गमलों के बीच में रख सकते हैं, ताकि गर्माहट बनी रहे, या फिर ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे सुबह के आधे घंटे की धूप इस पर पड़े, ऐसी जगह में इसको रखिए। और इसकी मिट्टी अभी गीली है तो मैं इसमें पानी नहीं दूँगी, जैसे ही मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी ड्राई हो जाए तो इसको जो है स्प्रे से पानी देंगे, ताकि ये सीड जो है इधर उधर ना हिले, क्योंकि अगर सीड हिल जाएगा तो फिर जर्मिनेशन होने में दिक्कत होगी। तो बहुत ही मतलब ये आपके पास अगर स्प्रे बॉटल है तो उससे दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी बॉटल में होल कर लीजिए, उसको धीरे धीरे से पानी स्प्रे कर दीजिए। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि ये सोयल जो है नमी बनी रहे, तो 12 से 15 दिन में इसमें स्प्राउट निकल आते हैं, और ये दूसरे
जब ये थोड़े इतने बड़े बड़े सैपलिंग तैयार हो जाएंगे तब हम इसे जो है दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे। और जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो छोटे छोटे पॉट में ही हम शिफ्ट करेंगे, इकट्ठे बड़ा पॉट दे देंगे तो पौधा ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों 12 से 15 दिन बाद हम फिर मिलते हैं कि कैसे ये जो है ग्रो हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको जो है मैं बड़े गमले के नीचे रख दूँगी ताकि इसमें जो है गर्माहट बनी रहे और छन के धूप सुबह की इसमें पड़े। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे मुलाकात होते रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।